दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोईरीपुर नगर पंचायत में। नगर पंचायत कोईरीपुर को सुंदरीकरण या फिर कहें विकास की तरफ ले जाने के लिए इस बार कौन कौन से प्रत्याशी आगे आ रहे हैं या किन प्रत्याशियों का नाम आगे आ रहा है? इस एक लोगों का नाम था कासिम रायन जी, आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं या किन उद्देश्यों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है, आप अपने बारे? मेरा नाम मोहम्मद कासिम रायन, मैं नगर पंचायत कोईरीपुर में, आप ये मेरा चौथा चुनाव है। इसके पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से समर्थित लड़ा था, पहला चुनाव रनर रहा, दूसरा चुनाव मैंने लड़ा निर्दल, उसमें जो है विनर रहा 2012 में। उसके बाद तीसरा चुनाव फिर लड़ा मैं समाजवादी पार्टी से, उसमें भी रनर रहा। चौथा चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने मेरी पत्नी को सिंबल देके हाथी के निशान पे लड़ने का फैसला किया है, तो मैं अभी लड़ रहा हूँ चुनाव। अभी तक तो वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ से भाजपा के चेयरमैन थे, जो मौजूदा चेयरमैन हैं। भाजपा की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, यहाँ पर भी नगर क्षेत्र में भी उसकी सरकार थी, उनका चेयरमैन था, तो ये चुनाव आप किस तरह देख रहे हैं इस बार? देखिए, भाजपा का तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक देश में है। इन्होंने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था कि हमारी जो है नगर पंचायत बहुत बेहतर हो जाएगी, प्रधान से प्रधानमंत्री तक मेरा है, इसलिए विकास ज़्यादा होगा। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया कस्बे में, आज कस्बे की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ भाजपा की कोई लड़ाई ही नहीं है ज़मीन पर। आज चेयरमैन के नाम पर कोई मतलब सुधीर साहू के नाम पर कोई सुनना ही नहीं चाहता। अगर आप कस्बे में टहलेंगे, जनता के बीच कोई बात करेंगे, जो हमने पुराने ईंट लगाए हैं 2012 में, वो ईंट आज तक नहीं बदली गई। इन्होंने नया कोई निर्माण नहीं कराया। इन्होंने एक योजना मेरे द्वारा लाई गई थी, अब्दुल कलाम सौर पुंज योजना, 1,61,00,000 का सौर पुंज योजना में सौर ऊर्जा का जो है टेंडर हुआ। इन्होंने 1,14,00,000 रुपये का घोटाला कर दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ऐसे कितने मद हैं जिसमें इन्होंने घोटाला किया है, और ये खास तौर से ये लोकतंत्र की हत्या करने की नीयत से आए थे। ये 55,00,000 का टिकट खरीद के लाए, कस्बे को बर्बाद करने की नीयत से लाए थे। गरीब आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता, इसलिए लोग बागी हो गए। भाजपा से जो लोग सिंबल मांग रहे थे वो लोग बागी हो गए हैं। इस समय भाजपा से कोई लड़ाई ही नहीं है जी। 2012 में आपकी पत्नी चेयरमैन बनी यहाँ से, 2012 के बाद 2017 में चुनाव हुआ, यहाँ की सीट भाजपा के खाते में गई। इस बार फिर से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो मूलभूत समस्याएं यहाँ कोईरीपुर नगर पंचायत में, वो मूलभूत समस्याएं क्या हैं? क्या ये आपको लोगों के बीच जाने के बाद मालूम चल गई हैं? जी, जानने के बाद क्या, मैं हमेशा ज़मीन पर ही रहा हूँ, ये मेरा चौथा चुनाव है, तो मुझे डोर टू डोर जानकारी है और कस्बे की छोटी से लेकर बड़ी समस्या की जानकारी है। अगर इनसे ये अभी जाते हैं किसी के सामने तो लोग पूछते हैं भैया आप कौन हैं, तो इन्हें बताना पड़ता है कि मैं सुधीर साहू पूर्व चेयरमैन, लेकिन मुझे कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे कस्बे की समस्या, जहां से आप किसी भी वार्ड की समस्या पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं यहां क्या समस्या है। खास तौर से मेन समस्या यहाँ है, जो हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसका जो है इनकी ये मतलब आपने पहले पूछा था, प्रधान से प्रधानमंत्री तक भाजपा का है, लेकिन ये जो हमारा हॉस्पिटल है मेरे रिजीम में 2012 में, चूंकि आपका सवाल हो सकता है कि उस टाइम क्यों नहीं सुधरा, मैं वो भी बता देता, क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में था, 1 रुपया इसका भाड़ा था, ये कभी जो है सरकार को हैंडओवर नहीं हुआ था। मेरा हॉस्पिटल इनके रिजीम में हैंडओवर हुआ हॉस्पिटल, लेकिन उसका इन्होंने कोई वो नहीं किया, केवल वहाँ बुखार की दवा मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ डायल हैंडेड नहीं है, हमारे यहाँ आग मतलब जो है वो दमकल नहीं है, हमारे यहाँ जो है बस स्टॉपेज नहीं है, रुकती नहीं बसें, सरकारी बसें नहीं रुकती। इन्होंने 6 वार्डों के साथ भेदभाव किया, खास तौर से वार्ड नंबर 1 गांधीनगर, वार्ड नंबर 2 हनुमान नगर, वार्ड नंबर 3 विवेक नगर, जवाहर नगर, आज नगर, इन वार्डों के साथ इन्होंने भेदभाव किया, कोई निर्माण कार्य नहीं कराया। खास मेरा फोकस है इन वार्डों के ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और ख़ास तौर से कस्बे को भ्रष्टाचार मुक्त करना, दंगा मुक्त करना, ये जो है कस्बे की मेन समस्या है। इस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा पूरे 5 साल।
अगर आप चेयरमैन बन के आते हैं तो अपनी नगर पंचायत जनता के लिए वह तीन कार्य कौन से होंगे जो सबसे पहले आप करना पसंद करेंगे या करेंगे? जी, सबसे पहला कार्य होगा मेरा हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार करना, और दूसरा कार्य हमारा होगा जो कस्बे में बद से बदतर वार्ड इन्होंने बना दिए 10 साल में, उन वार्डों की बेहतर सड़क देना, उसमें जो है बेहतर लाइट देना। आज कस्बे में औरतें अगर लाइट कट जाए तो सौर ऊर्जा के सहारे चल नहीं सकती, उनके साथ छेड़खानी हो सकती है, उनके गहने छीने जा सकते हैं, ये स्थिति है। ये दो समस्या हो गई, और ख़ास तौर से हमारा काशीराम आवास है, जब से बहन जी ने उसका निर्माण कराया 72 आवास दिए भूमिहीन लोगों को, जिनके पास भूमि नहीं थी, इन्होंने तो जो दिया है जिसके पास भूमि थी उसको दिया है, लेकिन भूमिहीन लोगों को बहन जी ने दिया आवास। उसमें ना तो डेंटिंग हुई, ना पेंटिंग हुई, ना लैट्रिन की सफाई हुई, ना उसका आज तक देख रेख हुआ, ना मतलब किसी तरह की। वहाँ हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी गई थी, वहाँ उन्होंने दूसरा कुछ बना दिया, उसका दूसरे कब्जे में दे दिया। तो उन सब चीज़ों को बेहतर करना, वहाँ एक विद्यालय देना, उसकी साफ़ सफाई करना, बेहतर जो है सुविधा देना, ये मेरी मेन। ये इस नगर पंचायत में कितने पार्क हैं? यहाँ देखिए पार्क एक भी नहीं है। एक इन्होंने तो अपने कार्यकाल में कोई धन लाने के लिए अपना जो है, ये इनका एक मेडिकल स्टोर है, उसको छोड़ के गए नहीं। एक योजना पूरे प्रदेश में चली, पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत इनको 1.25 करोड़ रुपया मिला था, 1 करोड़ 27 लाख या 1.25 करोड़ समथिंग इनको मिला था। पार्क एक बनाए हैं पंडित दीनदयाल, एक करीब 30 फुट के अंतर्गत 31 लाख रुपए का है, उसी के बगल जो है तालाब सुंदरीकरण, दोनों जोड़ के आया था, उसकी हालत बद से बदतर है, और तालाब का सुंदरीकरण हुआ नहीं। पार्क में भैंस और जानवर बांधे जाते हैं, आज भी उसका कोई बद से बदतर हाल है, किसी यूज़ में नहीं है। जी तो दोस्तों, आपने देखा ये बसपा के चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी थे, कोहरीपुर से नगर पंचायत का जो चुनाव होने वाला है, आप सुल्तानपुर, कोहरीपुर, दोस्तपुर, लम्बुआ के साथ साथ कादीपुर की भी नगर निकाय चुनाव की छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहें अपने अपने चैनल अपना सुल्तानपुर से। कैमरामैन रिदान के साथ मैं मोहसिन खान, जय हिंद।